हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान अध्यक्ष मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी, उसका नाम था पशुधन सहायक यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट। उस भर्ती का विज्ञापन में थोड़ा बदलाव किया गया, संशोधन किया गया है। बदलाव ऐसा है कि दो बदलाव बड़े बड़े हुए हैं। एक बदलाव से जितने भी स्टूडेंट है वो इफेक्ट होंगे, एक बदलाव से जो भूतपूर्व सैनिक है वो इफेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या बदलाव है। संशोधित विज्ञप्ति मेरे पास है यहाँ पर, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 2 तारीख को निकाली गई थी। बदलाव ये है जो सबके लिए हुआ है, वो सबसे लिए बड़ा बदलाव ये यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, पशुपालन विभाग के लिए पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी जितने पद आपको दिए गए थे उसे घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। छोटा बदलाव नहीं है। आरआरबी में एक बार पहले ऐसा हो चुका था, जहाँ पर 19,000 के लिए एप्लीकेशन ले लिए गए थे, इतनी पदें हैं, और बाद में 16,000 को नियुक्ति दी थी। दो बाकी 3,000 लड़के थे जिनका सिलेक्शन भी हो चुका था, उनको जॉब नहीं मिली थी। बड़ी दिक्कतें हुई थी बाद में, मेरे को पता है वो क्या सीन हुआ था। तो इसलिए आप इस बदलाव को छोटा सा ना माने, ये बहुत ही बड़ा किस्म का बदलाव है। दूसरी बात, ये घटिया तरीके की ये चीज़ें होती है, क्योंकि क्या है, क्यों अगर बढ़ती है तो चलो ठीक है, और घटती है तो बड़ा दिक्कत होता है ना। पहले बंदा तैयारी किसी और के लिए करता है, फिर बाद में 1900 के लिए तैयारी करता है, बाद में 6,000 रह जाती है, 16,000 रह जाती है, तो गलत बात है। यहाँ पे एक चीज़ और बेकार लिखी हुई है, आप देख लीजिए इसको। इसके लिए अलग से कोई सूचना या शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा। देखिए, मतलब इसके लिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट ये बदलाव कर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, तुम्हारे इतनी इतनी लिए पदों के लिए हमने वैकेंसी निकाली। अब सपोज कर लीजिए कि 700 पदों के लिए वैकेंसी निकाली, बाद में कि साहब हम तो 600 को ही नियुक्ति देंगे, और इसके लिए कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हमने हमारे नोटिफिकेशन में लिख रखा है, बाद में अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी होगा आपका कोर्ट का केस हटाने के लिए। बोर्ड जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। आई डोंट नो ये क्यों किया जाता है, लेकिन किया गया। दूसरा बदलाव है, ये अच्छा बदलाव है, इसके लिए मैं भी तारीफ करता हूँ, और करना ही चाहिए सबके लिए। हमारे सैनिकों के लिए कोई बदलाव होता है तो अच्छा होता है, उनके हित में है। पहले ऐसा होता था, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो थी वो पूर्व सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद है। यानी कि जिस दिन आप एग्जाम की फॉर्म फिल कर रहे हो उस डेट को आपका सेवानिवृत्त होना चाहिए सैनिक, नहीं तो आप नहीं भर सकते इसको। लेकिन अब ये बदलाव जो है कर दिया गया, इसको विलोपित कर दिया गया नियम को। अब नया नियम क्या आया है, कार्मिक विभाग की उपयुक्त अधिसूचना के नियम अनुसार नियम 6 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों के आमेलन नियम सन 1988 में जोड़े गए नियम 6B के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक भी इस नियम में वर्णित शर्त के अधीन आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी कि भूतपूर्व सैनिक जो काम कर रहे हैं वो भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। बिंदु संख्या 9 के क्रम संख्या 2 में वर्णित कुल मिलाकर वो नियम ही है, उस नियम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। AF एक क्रमांक उस नियम का, और ये 17/2018 के प्रावधान के अनुसार लागू होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बदलाव होता है तो आपकी पूरी वैकेंसी का हाल ही बदल जाता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.